नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर, अभी भी जीवन रक्षा प्रणाली पर। बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची सीबीआई टीम, ला जा रहे हैं कुछ दस्तावेज। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 29 लाख के पार, मरीजों के ठीक होने की दर 74% से अधिक। तेलंगाना में श्रीशैल पावर स्टेशन में लगी आग, 9 लोगों के फंसे होने की आशंका। पौंडिचेरी में कोकोनट हार्बर के पास एक नाव निर्माण कारखाने में लगी भीषण आग। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को आधी सैलरी देगी सरकार, जाने नियम और शर्तें किस तरह के हैं। कोरोना वायरस दुनिया में सबसे ज्यादा, अगस्त में भारत में सामने आए 12 लाख मामले। कैंसर रोग का गढ़ है आइजोल जिला, हर 5 में से एक महिला पीड़ित। कोरोना को काबू करेगा नीम, बस मानव परीक्षण के नतीजे आने का इंतजार। स्पेशल ट्रेन की संख्या में और इजाफा करेगा रेलवे, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी रफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, सामूहिक रूप से फैसला लेगी पार्टी। चंद्रयान 2 का 1 साल पूरा, अब बचा हुआ ईंधन, अगले साल 7 साल तक आएगा ये काम। सेंट्रल विस्ट्रा सुप्रीम कोर्ट भूमि उपयोग बदलाव को चुनौती देने वाले मुद्दे पर पहले करेगा सुनवाई। दिल्ली में 3 जगह ईडी के छापे, 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति हुई टेच। संसद के मानसून सत्र के लिए पिछ रही सियासी बिसात, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। एलएसी विवाद पर भारत चीन की 4थी बैठक में भी नहीं निकला ठोस नतीजा, प्रतिरोध बरकरार। फेसबुक मामला, भाजपा सांसदों ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ फिर खोला मोर्चा।